सत श्री अकाल जी सारे दोस्तों, उम्मीद है कि तुम सारे ठीक ठाक होने। दोस्तों अज इस वीडियो जिहड़ी गल करनी है मैं वो ध्यान नाल तुसी जरूर सुनियो, जिहड़ी कि साइप्रस दे विच काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के मैसेज आने तो बाद मैं ये वीडियो बना रहा वा। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिओ, क्योंकि बहुत ही जानकारी वाली वीडियो हो सकती है। जिहड़े भैण भरा साइप्रस दे विच रहिंदे आ, खास करके वो भैण भरा जिन्हां दी रिफ्यूजी लई हुई आ, जां इन्हां ने रिफ्यूजी लैण बारे सोच रहे आ, तो उस बारे जी की गल अच बहुत जरूरी करनी है। इस वीडियो गल आप शेयर कर जा रहे हैं न्यूज़ के मुताबिक, क्योंकि आप कोई भी बिना वजह या कोई इधर उधरों चक या गल गल कोई सुनी सुनाई गल आप इस चैनल के नहीं करते। न्यूज़ के मुताबिक आप जो भी जी गल शेयर करनी है, जो भी न्यूज़ के मुताबिक आ न्यूज़ के लिखिया हुई चीज़ा आपा शेयर करनी। सो दोस्तों काफ़ी दिनों तो जी की खबर जी कि काफ़ी सारे दोस्तों तो या होर लोगों तो सुनने मिल रही कि रिफ्यूजी जिन्हों दोस्तों ने ली हुई आ उन्होंने जी साइप्रस की गौरमेंट आ डिपोर्ट कर रही है, कि यह गल सही आ जां गलत आ, उस बारे आप गल हूँ आप डिटेल ना करते हैं। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिओ, तो अपने चैनल में सबसक्राइब करना ना भुल्यो, क्योंकि इस चैनल के आप हमेशा ही साइप्रस बारे जो भी जानकारी सही तरीके होंगी आ सही जानकारी होंगी आप शेयर करते हैं। तो जिन्हों दोस्तों ने इंडिया तो या किसी होर कंट्री तो साइप्रस आना हों वा उन्होंने वास्ते भी अपना इस यूट्यूब चैनल में सारी जानकारी वाली वीडियो होंगे वा। सो अपने चैनल में सबसक्राइब करके जरूर रखियो, तो अपने चैनल पर जाकर तुम विजिट कर लो। हो सकता जिन्हों दोस्तों ने साइप्रस आने बारे प्लैनिंग कर रहे हैं वो अपनी वीडियो देख के उन्होंने काफ़ी कुछ जरा कि साइप्रस बारे पता लग सकता। सो दोस्तों गल शुरू करनी है भी साइप्रस के जेडे कि रिफ्यूजी बारे गल सुनने आई है कि रिफ्यूजी वाले डिपोर्ट कर रही है साइप्रस की गौरमेंट, वह कारण हैगा वो गल सही है या गलत आ। सो दोस्तों मेन जी गल हैगी कि साइप्रस के रिफ्यूजी वाले डिपोर्ट इदा नहीं कर रही जी की हैगी साइप्रस की गौरमेंट, जिदा कि अपने इस साल के नवे साल तो छे महीने का टाइम होने के जी कि 2000 तो उपर जे लोगों जी इतों साइप्रस की गौरमेंट जी डिपोर्ट कर चुकी है। किन्हां नूं कर चुकी आ? जिहड़े कि बिना पेपर तो है, जिन्हां दी रिफ्यूजी भी हैगी आ पर उन्हां कोल जिहड़ी सही पेपर नहीं है रिफ्यूजी के, जां उन्हां दी कैंसल होई आ जां कुछ इदां दे कारण हैगे आ जिन्हां दे करके उन्हां नूं डिपोर्ट किया जा रहा वा। मेन जिहड़ा कारण यह आ न्यूज़ के मुताबिक, सो मैं तुहाडे नाल इत्थे शेयर भी कर दूंगा वो जिहड़ी न्यूज़ की जिहड़ी कि मैं स्क्रीनशॉट लए हुए आ सारियां जिहड़ियां चीज़ां वा तुसीं खुद भी जाके पढ़ सकदे आ। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मैसेज किया कि भाजी ये सारे साइप्रस जिन्होंने रिफ्यूजी ली है सारे डिपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इदा की कोई गल नहीं हैगी भी जिन्हों की रिफ्यूजी आ बिल्कुल सही तरीके साइप्रस रह रहे हैं, जिन्हों का कोई भी मतलब गलत स्टेटस नहीं है भी गलत तरीके नहीं आए हुए जां गलत तरीके उन्होंने कोई रिफ्यूजी अप्लाई नहीं की हुई उन्होंने इदा का कोई मतलब कि स्टैप नहीं जी इतों साइप्रस की गौरमेंट कोई नहीं चक रही। सो दोस्तों जिहड़ा कहने का मतलब आ जिदा कि एज ए केस देखा जाता वा जेकर जिहड़े रिफ्यूजी की जिन्होंने अप्लाई की हुई आ भी तुहाडा पहला स्टेटस की सीगा, तुसी साइप्रस विच किद्दां एंटर होए आ, की तुहाडे कारण आ रिफ्यूजी लैण दे, वह सारिया चीज़ां देखण तो बाद जिहड़ा कि यह जिहड़ा कि डिपोर्ट वाला सिस्टम किया जाता वा उदा कोई है नहीं गा। जिन्हां को मतलब पेपर नहीं है सही, जिन्हां को रिफ्यूजी के पेपर नहीं है जां कैंसल हुई या उन्होंने कोई भी चीज़ अगे मतलब अपडेट नहीं किया हुआ जां अप्लाई नहीं की हुई उन्हां दोस्तों जेकर चैक कर दी आ पुलिस इतों की तो वह उन्होंने फड़ के डिपोर्ट कर रहे हैं। तो बाकी जिहड़ा मेन तुहानूं सारिआं दोस्तों नूं पता ही आ जिहड़े कि बिना वीजे तो रह रहे हैं जां उद्दां ही काम कर रहे हैं जां उन्होंने कोई रिफ्यूजी नहीं अप्लाई की कुछ नहीं है उन्होंने को पेपर वगैरह कुछ नहीं है तो उन्होंने जिहड़ी कि इतों की गौरमेंट आ जिहड़ी कि डिपोर्ट कर रही है। आने वाले टाइम के भी न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने दस्सिया कि किहड़े साइप्रस के अलीगल तरीके जिहड़े रह रहे हैं उन्होंने डिपोर्ट कर रही है। बाकी जिहड़े स्टूडेंट आ के रिफ्यूजी वगैरह लेंदे आ उन्हां बारे भी वो जिहड़ा कि काफ़ी जिहड़ियां चीज़ां बारे देख रहे हैं काफ़ी चीज़ा देख रहे हैं। इस तो बाद ही जिहड़ा की आज ए केस जिदा भी उन्होंने देखा जाता भी इस बंदे ने किदा रिफ्यूजी ली आ, क्योंकि आपको भी पता है जो आप स्टूडेंट आने इतने तो उस तो बाद रिफ्यूजी अप्लाई कर दें कि सही तरीका नहीं है। सो जे जिन्हों को पक्या रिफ्यूजी उन्होंने कोई डर की जरूरत नहीं हैगी, जिन्होंने अप्लाई किया वा जा फिर उस तो बाद अप्लाई कर सकते हैं जेकर ताकि जी रिफ्यूजी कैंसल हो गई या उस तो बाद हो गया कोई चीज़ा हो गई तुम्हें अप्लाई किया वा जा अपना स्टेटस वगैरह चैक करते रहो। जिन्होंने वकील दो वकीलों अपनी जी गलबात करके रिफ्यूजी अप्लाई की हुई आ जा करनी आ सही तरीके अपने वकील तो गाइड लैके
ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਫਿਊਜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਦੀ ਗੇ ਪੇਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਲਾਈਵ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ PMTV5। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਸੇਜਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰੱਖ।